फ्रेंड्स हाय फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम लोग अपना प्लगइन का क्लीन अप करेंगे और इसको अनइंस्टॉल में जो क्लीन अप करना है वो सब करेंगे। तो ये प्लगइन जब अनइंस्टॉल होता है तो आप इसके अंदर एक uninstall.php फाइल अगर होगा तो उसके अंदर जो सारा फंक्शन होगा वो अनइंस्टॉल के टाइम कॉल होगा। तो हम लोग अगर क्लीन अप के बारे में सोचेंगे प्लगइन का, तो क्या क्लीन अप कर सकते हैं हम लोग अपना प्लगइन का, जो एक डेटाबेस क्रिएट किया था वही हम लोग तो क्लीन अप कर सकते हैं ना। मेरा डेटाबेस किधर गया, हाँ ये है, तो यही तो हम लोग क्लीन अप कर सकते हैं ना अगर देखा जाए तो। ओके, ये जो टेबल है इस टेबल को हम लोग मतलब हमारा अनइंस्टॉल के टाइम हम लोग इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये हम लोग का प्लगइन का क्लीन अप होगा। सो मैं प्लगइन फोल्डर के अंदर जाके मेरा एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम ऑब्वियसली अनइंस्टॉल होना होगा क्योंकि ये अनइंस्टॉल के टाइम कॉल होगा। अनइंस्टॉल डॉट php। ओके, अच्छा तो यहाँ पे मैं पहले कंडीशन से चेक कर लूँगा कि अनइंस्टॉल डिफाइन है कि नहीं, उसके लिए कॉन्स्टेंट मिलता है। सो मैं अगर लिखता हूँ कि नॉट डिफाइन, फिर उसके अंदर कॉन्स्टेंट का नेम जो कि है wp अनइंस्टॉल, अनइंस्टॉल प्लगइन plugin, ओके wp अनइंस्टॉल प्लगइन, ये जो है ये जो कॉन्स्टेंट है ये कॉन्स्टेंट अगर डिफाइन नहीं होगा इसका मतलब ये है कि प्लगइन अनइंस्टॉल, मतलब प्लगइन के जब प्लगइन जो आता है ना बैकएंड में प्लगइन का, ये पे जब प्लगइन के अंदर जाओगे जब अनइंस्टॉल बटन पे क्लिक करोगे तब ये कॉन्स्टेंट मतलब वैलिड होता है। अगर ये अनइंस्टॉल मतलब अगर ये यूज़र ये अनइंस्टॉल बटन पे क्लिक नहीं करेगा, इसको अनइंस्टॉल नहीं करेगा तब जाके ये नहीं क्लिक होगा, ठीक है ना। सो और ये जो कॉन्स्टेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा रजिस्टर अनइंस्टॉल हुक के अंदर आप जाओगे तो ये कॉन्स्टेंट आपको मिल जाएगा। ये wp अनइंस्टॉल प्लगइन यही कॉन्स्टेंट मुझे देना था यहाँ, तो मैं यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट अगर ये डिफाइन नहीं होगा तो एग्जिट हो जाएगा, मतलब अगर यूज़र अनइंस्टॉल नहीं करेगा तब जाके नीचे का स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, एग्जीक्यूट मतलब तभी जाके ये एग्जिट हो जाएगा। अच्छा, अगर वैसा नहीं हुआ तब जाके हम लोग अपना जो प्लगइन है वो अनइंस्टॉल करेंगे, लेकिन ये एक बढ़िया रिकमेंडेड वो है क्योंकि प्लगइन में हम लोग का बहुत सारा डेटा वेटा है, तो जब भी आप प्लगइन का कुछ अनइंस्टॉल फंक्शन लगाओगे उससे पहले आप प्लगइन का बैकअप ले लेना जरूरी। सो मैं इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे इसका बैकअप लेकर रखता हूँ। ओके, तो मैं इस बैकअप रख लिया भाई, बैकअप रखने के बाद मुझे वो डेटा टेबल ड्रॉप करना है, सो उसके लिए मैं मुझे ग्लोबल wpdb पहले कॉल करना है, ग्लोबल wpdb उसके अंदर जाके हम उसके अंदर अभी हम लोग को क्वेरी लिखना है, ठीक है ना, उसके अंदर लिखना है क्वेरी, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्वेरी लिख सकते हैं, क्वेरी क्या है कि ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, उसके बाद फिर आपका टेबल का जो नाम है टेबल नेम देना है। सो टेबल का नाम हम लोग देख सकते हैं यहाँ से, टेबल नेम हम लोग दिया है यहाँ पे ना। तो ये इसका ये हो गया प्रीफिक्स, टेबल का प्रीफिक्स,
प्रीफिक्स, उसके बाद जो टेबल का नाम है ये ओके, इसको कॉन्केटिनेट तो करना है। तो अभी हम लोगों का ये टेबल ड्रॉप हो जाएगा, एग्जिस्ट ओके। सो मैं अभी बैकएंड में जाके मेरा जो प्लगइन है इस प्लगइन को मैं डीएक्टिवेट करता हूँ। डीएक्टिवेट करने के बाद अभी देखो यहाँ पे टेबल है लेकिन, ठीक है ना, मैं जिसको जब डीएक्टिवेट करने के बाद जब इसको अनइंस्टॉल करूँगा तब जाके देखना ये डिलीट हो जाएगा। सो इसके बाद इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डिलीट दिस फाइल एंड डेटा, ये ऑप्शन आ रहा है, तो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, डिफाइन एक्सपेक्ट पैरामीटर, ओ मैं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, सॉरी ये तो कांस्टेंट दे रहा हूँ ना, कांस्टेंट मुझे ऐसे थोड़ी देना है। ओके कंटिन्यू करूँगा। अच्छा मैं अभी जगह पर चेक करता हूँ, डेटा ड्रॉप तो नहीं हो गया, हाँ ये है अभी, ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से एक बार एक्टिवेट करूँगा। एक्टिवेट करने के बाद इसको डीएक्टिवेट करूँगा, फिर मैं इसको डिलीट करूँगा, डिलीट करने जाऊँगा लाइन 4। प्रॉब्लम क्या होगा, मॉडिफाइन एग्जिट, सही तो है। अच्छा ओहो डिफाइंड होगा क्योंकि यहाँ पे तो नया डिफाइन नहीं कर रहा है, जब नया कॉन्स्टेंट डिफाइन करोगे तब जाके दो पैरामीटर, जब कोई डिफाइन हो क्या हुआ पैरामीटर आप चेक करोगे तब डिफाइंड देना होगा। इसको मैं बैक करता हूँ, एक बार, हाँ अच्छा अब जाके इसको मैं डिलीट करूँगा, डिलीट करता हूँ इसको। अच्छा देखता हूँ कि डिलीट हुआ है कि नहीं, नहीं हुआ है, प्रॉब्लम क्या है, अच्छा ये डिफाइन होगा नॉट डिफाइन, नहीं होगा तो एग्जिट करते हैं, डिफाइन तो होगा। अच्छा, ये डिफाइन के टाइम, ये तो इसका अंदर होगा डिफाइन के टाइम, ये ब्रैकेट के बाहर होगा। अच्छा ठीक है चलो एक बार चेक करते हैं फिर से, मैं प्लगइन्स के अंदर जाता हूँ। ओके तो मैं अभी इसको डिलीट करता हूँ, हाँ अब जाके ये द प्लगइन सिलेक्टेड प्लगइन हैज़ बीन डिलीटेड। ओके अभी यहाँ पे ये टेबल ड्रॉप हो जाएगा, मतलब टेबल डिलीट हो जाएगा। हाँ तो ये टेबल डिलीट हो गया, अब यहाँ पे देखो डब्ल्यू पी मूवी, हाँ ये टेबल ड्रॉप हो गया, तो ये टेबल यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मतलब ड्रॉप हो गया। ठीक है ये मेनू में दिखा रहा है लेकिन मेन जो डेटाबेस में तो नहीं है ना, सो मतलब ये टेबल ड्रॉप हो गया। लेकिन अगर मैं जाके इस प्लगइन को जब फिर से
एक्टिवेट कर दूंगा। ये मेरा तो प्लगइन है ना, इसको मैं कॉपी कर लिया यहाँ से, कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा ये तो पेस्ट कर दिया मैं। अनइंस्टॉल फाइल है, पता है एक चीज़ क्या है, यहाँ पे गलती क्या हुआ, गलती ये हुआ कि ये हम लोगों का यहाँ पे सब कुछ करने के बाद इसका बैकअप लेना चाहिए था, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, फिर भी मैं लिख देता हूँ ग्लोबल डब्ल्यू पी डी बी। अच्छा इसका क्वेरी 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 के अंदर जाके क्वेरी लिखना है जो कि है ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, फिर टेबल का नेम। यहाँ पे टेबल का नेम, टेबल का नेम तो टेबल का नेम हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। प्रेफिक्स, पहले प्रेफिक्स दिया मैं, उसके बाद यहाँ पे टेबल का नेम, ओके यहाँ टेबल का नेम दिया। ओके अभी मेरा जो है, मैं इसको एक बार इसको रिलोड करता हूँ, एक बार रिलोड करके इसको एक्टिवेट करता हूँ। अब जाके देखना, अब ये टेबल आ जाएगा यहाँ पे, देखा यहाँ पे टेबल आ गया। अभी टेबल खाली है लेकिन टेबल आ गया, लेकिन जब इसको डिलीट करूँगा फिर जगह ये डिलीट हो जाएगा। कहाँ गया, ये जो है, अच्छा सॉरी, इसका एक ही गलती बार बार कर रहे हैं, जो भी है इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार, डिलीट करने के बाद मैं पेस्ट करके रखता हूँ इसको, ठीक है। अभी जो हम लोग इसको डिलीट करेंगे, डीएक्टिवेट करते हैं, डीएक्टिवेट करने के बाद इसको डिलीट कर देंगे, डिलीट कर देंगे। सो अब जाके अगर देखोगे आप तो ये जो टेबल है, टेबल आपको नहीं दिखेगी, मूवी रेटिंग टेबल दिखेगा नहीं दिखेगा, डब्ल्यू पी मूवी रेटिंग नहीं दिखेगा। एक ही आ रहा है ये साइड में आ रहा है, ठीक है ना। सो ये मतलब हम लोग का जो है प्लगइन वो बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। चलो इसको मैं फिर से एक बार मेरा प्लगइन डायरेक्टरी में रख देता हूँ। प्लगइन के अंदर जाके मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। अब जाके ये आ जाएगा, तो देखना यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आ रहा है, तो ठीक है यही करना था। ये था क्लीनअप। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल और नहीं करेंगे, तो यही हम लोग का प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। जितना जितना
एक प्लगइन प्लग एक प्रीमियम थीम डेवलप करने के लिए जितना आपको सीखना था वो आप सीख चुके हैं और अभी आप लोग नया प्लगइन बना सकते हो। तो होपफुली ये प्रोजेक्ट आप लोग एंजॉय किए होंगे। अगर एंजॉय किए होंगे तो मेरा चैनल जो है आप सब्सक्राइब कीजिए।